आपके इस इलाके में पहली बार हाजरी हुई है। चार पर रात होगी ना, सोने ना मिले यार। दादी देवी नहीं आ रही, सिर्फ मेंबर पर एक मौलाना है जो मेरे पुराने परिचय है। आती है यार, मेरे बहुत समान जानकारी के मौलाना शहीद अख्तर साहब, बाकी सब नए चेहरे हैं, पहली मुलाकात है, इसलिए जिसकी कोई जानकारी नहीं होती उसे कचरे में डाल दिया जाता है। ये सारी शफकतें मेहरबानियां हमारे आरिफ भाई जो इस कमेटी के एक रुकन हैं, उनके जुमला साथियों ने, हम नवाओं ने, मुखलिसीन मुतालिकीन ने मिलकर अल्लाह के मुकर्रब बंदे महबूब वली हजरत अता शाह मियां रहमतुल्लाही ताला अलैह के उर्से पाक की ये तकरीब सही सजाई। अल्लाह पाक इस जश्न को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने मर्द जन सगीर कबीर जाकिरीन और सामीन इस बज़्म में आए, अल्लाह सब के जिक्र को और समाअत को कबूल फरमाए। जिस हैसियत से भी जिस बंदे ने इस महफिल में शिरकत की, अल्लाह उसकी शिरकत को कबूल फरमाए। ये सच्ची बात है, दिल आपका भी नहीं कर रहा होगा तकरीर सुनने के लिए और मेरा भी नहीं कर रहा करने के लिए। सच्ची बात है, सलाम का भी एक वक्त है, काम का भी एक वक्त है। आला हजरत ने बहुत दिनों पहले कहा था, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। अब तकरीर सुनने का वक्त नहीं, खाने का वक्त है ना, या है कुछ गुंजाइश मेमोरी में? आप अपनी मेमोरी को सरे शाम से अपलोड कर रहे हो सकता है कोई कोशा बाकी ना रहा हो, है ना, फुल हो गई हो, तो अब मैं जो कहूंगा तो वो तो मेमोरी में आएगी। जर्रा नवाजी शायर अहले सुन्नत साहब की है, सही किस्मत अगर इस फकीर की चंद बातें आप समाप्त कर लें तो, है ना, दिल से है इजाजत नहीं है, अभी नहीं है, यहाँ से नीचे की है, ऊपर वाली है, दिल से है, पूरी रात सुन सकते हैं। सही बात है, नहीं पूरी रात का मतलब नहीं है, बस चंद मिनट बोल के देखते हैं हम इंशाल्लाह। तवज्जो है, शुरू कर दूं? तवज्जो है। الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बेटा 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 मन मिला सालिहं मिन ज़करिन औ उन्था वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा आमन्तु बिल्लाहि
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ये जाने का ही वक्त है भाई, हमें भी कौम को पढ़ते हुए 30 साल हो गए, समझ रहे? सन 1991 से तकरीर कर रहे हैं, हमने कौम को बहुत पढ़ा है। कौम का क्या मिजाज है, क्या उसका जहन है, जलसों की रूहानियत खत्म हो गई, सिर्फ रिया तसन्न बनावट नुमाइश शो के लिए काम हो रहे हैं। क्या चैनल है? पहले जलसे होते थे कौम की इस्लाह के लिए, शराबियों को नमाजी बनाने के लिए, झूठों को सच्चा बनाने के लिए, अय्यार और मक्कार को मुस्तफा का वफादार बनाने के लिए, गाने बजाने वाले को रब की बारगाह में सर झुकाने के लिए, पहले कौम का दर्द लेकर मेंबर सजाए जाते, कौम का दर्द बयान किया जाता, जिस गौस के नाम पर रबीउल आखिर की पहली तारीख से ये अब 29 तारीख आ गई, नियाज कर रहे हो खा रहे हो, गौस पाक की भी महफिल होती थी, गौस पाक का भी जलसा होता था, 40,000 लोग उस जलसे में जमा होते। उस जमाने में ये डेकोरेशन का जमाना नहीं, माइक डाई स्पीकर का जमाना नहीं, साउंड का दौर नहीं था, बगैर स्पीकर के मेरे गौस खिताब करते, जब महफिल खत्म होती कोई जलसा ऐसा नहीं होता गौस पाक का कि जिसमें 2-4 जनाजे नहीं उठाए जाते थे। खौफे इलाही के ताल्लुक से जहन्नम की वईदें सुनाई जाती, खौफे इलाही का पैगाम लोगों के दिलों तक पहुंचाया जाता, मुस्तफा के उसूल सहाबा इकराम के अतवार और किरदार बयान किए जाते, असलाफ की जिंदगी बयान की जाती, लोगों पर इतना खौफदारी होता कि अल्लाह के खौफ से तकरीर सुनते सुनते लोगों की रूह निकल जाती। और आज 2 घंटे का नहीं, 2 महीने का मुसलसल प्रोग्राम आप रख लो, एक नमाजी पढ़ने को तैयार नहीं है, दाढ़ी मुड़ाने वाला दाढ़ी रखने को तैयार नहीं है, नंगे सर घूमने वाला सर पे टोपी रखने को तैयार नहीं है, माँ बाप का नाफरमान वालदेन की कदर करने को तैयार नहीं है, खुराफात करने वाला नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, शराबी शराब से तोबा करने को तैयार नहीं है, चोर चोरी करने से, गुंडा गुंडागर्दी करने से, फसादी फसाद करने से, शरीर शरारत करने से बाज आने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? जलसों के असर खत्म हो गए, महफिलों के असर खत्म हो गए, वजह सिर्फ तुम्हारी खफा नहीं है, हमारी भी है। मैं आवाम को इसका दोषी नहीं ठहराता, हमारी भी खता है, हमारी भी खामियां है, हिर्सो तमा हमारे अंदर आ गया, लालच आ गया, आई समझ में? जब हमारे दिलों में फरेब पैदा हुआ तो हमारी जबानों की अल्लाह ने तासीर उठा ली,
कौम ने उलमा की कही को अनसुनी कर दिया। आई समझ में? वरना आलिम, खुदा की कसम, जिसके बारे में नबी ने फरमाया था कि जिस इलाके में कोई एक आलिम रहता हो, एक आलिम रहता हो और उसका अमल शरीयत के मुताबिक हो, तो समझ लो कि वो इलाका जन्नतियों का इलाका है। किसका इलाका है? और नबी ने ये भी फरमाया, अगर एक आलिम बिगड़ जाए, इमाम गिजानी ने मकाशिदुल कुलूम में भी लिखा है, हुज्जतुल इस्लाम ने नकल फरमाया ये कि अगर किसी इलाके का एक आलिम बिगड़ जाए, घोटाला करने लगे, झूठ बोलने लगे, गीबत करने लगे, चुगलियां खाने लगे, उसका दिल टेढ़ा हो जाए, बिगड़ जाए, उसका शुमार उलमाए सू में हो जाए, फरमाते फिर उस इलाके में शैतान को आने की जरूरत नहीं रहती। नहीं, मैसेज आया, शैतान को आने की जरूरत रहती नहीं कि जो शैतान के करने के काम थे वो तो मौलाना कर रहे हैं, सुबह चेक कर रहे हैं, हाफिज और कारी कर रहे हैं, अब शैतान को आने की क्या जरूरत है? इसलिए खामी दोनों तरफ है। मैं बड़े दर्द के साथ ये बात कहूंगा, पुरानी परंपराओं को छोड़ा जाए, जलसा 4 बजे तक चले उसे जलसा नहीं कहते, 2 बजे तक तकरीर हो उसे जलसा नहीं कहते, ईशा के बाद अगर 2-2.5 घंटे प्रोग्राम हो जाए वो भी जलसा ही। ईमानदारी से बताओ, रात को 3 बजे तक जाग के आप फजर में उठ जाओगे? बताइए, तो उस जलसे से क्या फायदा हुआ कि जितने सुनने आए थे फजर में कोई उठाई नहीं? बताओ, जलसा सुलाने के लिए होता है या नमाज में जगाने के लिए होता है? बताइए मेरे भाइयों, तकरीर का तो वक्त नहीं है अब, सच्ची बात बताओ। अब आपका नजरिया भी बड़ा खतरनाक है, चलो वेट चल रहे हैं। बोले क्यों? बोले एक कानपुर से आ रहे हैं, एक संबल से आ रहे हैं, एक जो है वो रुद्रपुर से आ रहे हैं, कुछ जो है सितारगंज से आ रहे हैं, देखिए कितने मौलाना आ रहे हैं, कौन से मौलाना का जुब्बा ज्यादा चमकदार है, किसकी टोपी अच्छी है, किसका साफा ज्यादा चमकदार है, किसकी कौन मौलाना 50 किलो का, कौन 1.25 क्विंटल का, किसकी सांस 5 मिनट की और किसकी आधी मिनट की है। ये मिजाज लेके कौम आ रही है, इस्लाह की नियत से नहीं आ रही, सवाब की नियत से नहीं आ रही है ना। और जब हम इस्लाह की नियत से आते थे ना, सवाब की नियत से आते थे ना, तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, बंदा जब नेक इरादे से घर से निकलता है ना, अल्लाह पाक उसके हर कदम पर नेकी अता फरमाता है, उसका चलना इबादत, बैठना इबादत, सुनना इबादत, बोलना इबादत, सब कुछ इबादत में लिखा जाता है। मेरे भाइयों, जब नजरियात हमारे अच्छे थे, तखयुलात हमारे अच्छे थे, तसव्वुरात हमारे पाकीजा थे, जब हमारे दिल में माल नहीं आया था, आमिना का लाल समाया था, तो हमारा किरदार इतना आला था कि अगर हम सूखे दरिया को जबान से नहीं सिर्फ चिट्ठी लिखकर डाल देते थे ना, तो कयामत तक के लिए दरिया जारी हो जाता था। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है ये बात? समझ में आती नहीं कौम की। मनोरंजन के लिए आयो, आप देख रहे हो कौन अच्छा चीख रहा है, किसकी आवाज अच्छी लच्छेदार है, हैं? कौन ज्यादा हंसाता है? ये जलसे हंसाने के लिए नहीं होते, तमस्कुर के लिए नहीं होते, मनोरंजन के लिए नहीं होते, हंसाने के लिए नहीं, बल्कि ये जलसे आखिरत के खौफ से रुलाने के लिए होते हैं। ये जलसे दुनिया में हंसने हंसाने के लिए नहीं, सच्ची बात तो ये है, बिगड़ी हुई कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए होते, अपने रूठे हुए मौला को मनाने के लिए होते। बोलो भाई, ये बातें अच्छी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। क्यों ना लगेंगी बता दो,
सुन लो, तकरीर तो कभी होगी तो इंशाल्लाह फिर सही टाइम पे ही होगी, अब तो तकरीर का टाइम रहा ही नहीं है, है ना। एक होता है जिस्म का बीमार, एक होता है दिल और रूह का बीमार। जिस्म का अगर कोई बुखार हो, अल्लाह ना करे किसी को टाइफाइड हो जाए, कितनी अच्छी चीज खिलाओ उसे मजा नहीं लगता, है ना। दूध पिलाओ, चाय पिलाओ, आप मुझे लस्सी पिलाओ, कोई एर्जा पिलाओ, शिकंजी पिलाओ, या कि उससे आगे बढ़ के जो भी चाहो आप फ्रूटी पिलाओ, और चीजें पिलाओ, सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, अनार खिलाओ, मौसमी खिलाओ, अंगूर खिलाओ, है ना, आम खिलाओ, और आगे निकल जाओ फ्रूट में चले जाओ, आप जो है चिरौंजी खिलाओ, बादाम खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, काजू खिलाओ, और आगे निकल जाओ जो भी चीज खिलाओ, खाने वाला कहता मजा नहीं लग रही, कड़वी है। बेटा बड़ा परेशान है, इतने इतने महंगे आइटम लेके आया हूं अब्बा के लिए, जिस चीज को खिला रही हूं कड़वी लग रही है, क्या वजह, मजा ही नहीं आ रही आपको, तो तुम्हें तो मजा ही नहीं लग रही, क्या बात है। बस बिठाया बाइक पे, ले गए हकीम साहब, डॉक्टर साहब के पास, नब्ज पकड़ी, डॉक्टर साहब बड़ा परेशान हूँ, हफ्तों से अब्बा की खिदमत कर रहा हूँ, सेब भी, संतरा भी, केला भी, अंगूर भी, तमाम ड्राई फ्रूट ला के मैंने घर में रख दिए हैं, है, बादाम भी, पिस्ता भी, काजू भी, चिरौनी भी, चिलगोजा भी, सारी चीजें खिलाता हूँ, मगर ये मजा ही नहीं आ रही है, अब कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं, हकीम कहते हैं, बेटा इनके अंदर बीमारी है, बीमारी टाइफाइड है, हड्डियों में बुखार है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा इन्हें कोई चीज मजा नहीं लगेगी, जब तक वो मर्द इनके जिस्म के अंदर सलायत किए हुए है उस वक्त तक इन्हें कोई चीज खाने में मजा नहीं देगी, मजा नहीं आएगा। पहले इलाज कराओ, जब ये बुखार निकल जाएगा सब चीज अच्छी लगेगी, जब जिस्म बीमार हो खाने की चीजें अच्छी नहीं लगती है, तवज्जो देंगे, जब जिस्म बीमार हो ना ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगते, दूध मक्खन चाय अच्छा नहीं लगता है, फ्रूट अच्छे नहीं लगते, मेवायात अच्छी नहीं लगती है, और जब दिल और रूह बीमार हो जाती है ना तो नमाज अच्छी नहीं लगती, रोजा अच्छा नहीं लगता, कुरान की बात अच्छी नहीं लगती, मौलाना की बात अच्छी नहीं लगती, है ना, हाफिज जी की बात अच्छी नहीं लगती, नाते रसूल सुनने में मजा नहीं आता, है ना। दिल बीमार है, रूह बीमार है, और दिल का इलाज कुरान ने बता दिया है, इसका इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं है, नर्सिंग होम में नहीं है, किसी क्लिनिक में नहीं है, दुनिया के तबीब की बारगाह में नहीं, आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, खबरदार हो जाओ, अगर अपने दिलों को राहत पहुंचाना चाहते हो अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो, अल्लाह की याद मनाओ, अल्लाह की तारीफ करो, जब तुम्हारे दिलों को इत्मीनान पहुंचेगा। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लेंगे एक बार, मजा नहीं आया, जरा जोर से पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मदिन बारी वसल्लम, सलातों व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। किस किस बात पर रोए, हर हाथ में आधा किलो का मल्टी मीडिया मोबाइल है, नमाज की परवाह नहीं, अजान की परवाह नहीं, है ना, न सुबह देखता न शाम देखता है, और इतनी गहरी दोस्ती कर ली है आधा किलो मोबाइल से कि किसी की सुनने तैयार नहीं है, बस इसी की सुनने तैयार है, है ना, लगा रखा है डांसरों से दिल, लगा रखा है रक्कासों से दिल, मुजरा करने वालियों से, बंबई की कजरियों से, है ना, जिन्होंने कौम मुस्लिम की बिल्कुल लुटिया डुबे दी, सलमान जिसे लोग बड़ी तारीफ से नाम लेते हैं, शाहरुख खान, अमीर खान, कादर खान, फला खान, अबे खान की तारीफ करनी है ना तो अल्लाह पाक ने तुम्हें खान भी दिया है तारीफ करने लायक, अगर खान की तारीफ करनी है तो बंबई के सलमान खान की तारीफ ना करो, शाहरुख खान, अमीर खान, कादर खान की तारीफ ना करो, खान ही अच्छा लगता है ना तो बरेली के अहमद रजा खान का जिक्र करो, अख्तर रजा खान का जिक्र करो ना, तहसीन रजा खान का जिक्र करो ना, जब पता लगेगा कि खान हो तो कतार नहीं मदीने वाले का वफादार हो, जिंदाबाद जब हमारा दिल नबी से लगता था ना तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी,
बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि तारीख इस्लाम उठाकर देखो, अगर कोहाफा के बेटे अबू बकर ने मेरे नबी से दिल लगाया ना तो सिद्दीक अकबर बन गए। मेरे नबी से खत्ताब के बेटे उमर ने दिल लगाया ना तो फारूक आजम बन गए। मेरे नबी से अगर अफ़ान के बेटे उस्मान ने दिल लगाया तो ज़ुन्नुरैन बन गए। 10 साल की उम्र में तालिब के बेटे ने दिल लगाया तो हैदर करार बन गए। हसनैन ने दिल लगाया तो जन्नती जवानों के सरदार बन गए। खालिद ने मेरे नबी से दिल लगाया तो सैफुल्ला बन गए। अबू उबैदा ने दिल लगाया तो मुस्तजाबुद्दावात बन गए। मेरे नबी से अगर बिलाल ने दिल लगाया तो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बन गए। मेरे नबी से अगर नौमान इब्ने साबित ने दिल लगाया तो फकीह आजम इमाम आजम बन गए। अब्दुल कादिर ने लगाया तो गौसे आजम बन गए। मोइनुद्दीन ने लगाया तो गरीब नवाज बन गए। अली अहमद ने लगाया तो साबिर पाक बन गए। निजामुद्दीन ने दिल लगाया महबूब इलाही बन गए। फरीद ने लगाया गंजे शकर बन गए। अहमद रजा ने लगाया तो आला हजरत बन गए। नारे तकदीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकदीर, नारे जिंदाबाद। अगर कोई नेटवर्क आगे हो तो आगे बढ़ाओ ना तो सलाम कर लो। अरे डावर कैसे जिंदगी काट लोगे? तस्वीर देखोगे? मिर्जा सानिया देखोगे? तस्लीमा नसरीन देखोगे? अलमा सलमा बलमा देखोगे? पूछ रहा हूँ आपसे नौजवान हो, तुमसे तो खिताब है मेरा। जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है वो कौम डूब जाती है। जिस कौम का जवान राह रास्त पे आ जाता है वो कौम हमेशा के लिए तरक्की वाली हो जाती है। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कहता मोबाइल मत चलाओ, चलाओ, मगर उसमें सलमान को मत सजाओ, गर्लफ्रेंड को मत सजाओ। सही बता रहा हूँ मैं? बुरा मत मानना। अगर उसकी स्क्रीन सजानी है ना तो सजाओ यार। मैं कहता हूँ बहुत सजाइएगा, स्क्रीन पे बहुत शानदार करके फोटो चस्पा कीजिएगा, मगर सलमान का नहीं, शाहरुख खान का नहीं, मिर्जा सानिया का नहीं, तस्लीमा नसरीन का नहीं, बंबई की गुंडी का नहीं। अगर तस्वीर ही सजानी है ना, फोटो ही सजाना है तो खाने काबे को सजा दे, नबी का गुंबदे खदरा सजा दे, गौसे आजम का मजार सजा दे, गरीब नवाज का रोजा सजा दे, मौलाए कायनात के मजार मुकद्दस का नक्शा दरार सजा ले, अहमद रजा का नक्शा सजा ले, ताकि तेरा मोबाइल किसी गैर के हाथ में जाए तो मोबाइल देख कर ही समझ ले ये गद्दार का मोबाइल नहीं, मोहम्मद के वफादार का मोबाइल। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं? हाजमा तो खराब नहीं हुआ मेरी तारीफ भाई से है ना, मगर उस कैंप में डाला है जहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, है ना? कैसे कटेगी जिंदगी बताइए भाई, सुना दो कुछ वापस से बोले सुभान अल्लाह, यार आगे बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोले कटे हलवाई दूध भर देता ना इतनी बड़ी कढ़ाई में, है ना, मगर आखिर में जलते जलते थोड़ा सा रह जाता है, उसे क्या कहते हैं?
खोया खोया मक्खन खोया मावा, तो वो भरा हुआ काम का था या वो थोड़ा वाला काम का है? तो मिंबर पर भी थोड़े हैं, सामने भी थोड़े, मगर काम के है ना। सब सिद्धा दिल बैठे हैं, है ना। सुने शेर सुना दूं? जब हम गुलाम थे तो हमारी शान क्या थी? गुलामे शहे मोरे सली हो गए जो अजाबो ना दे तो शहर भी नहीं हो। गुलामे शहे मोरे सली हो गए जो अजाबो ना दे तो शहर भी नहीं हो। के बड़ी बेटा जवान हो गया ना कमावे, अब्बा का कहना ना माने, अब्बा राजी रहते नाराज। बोलो भाई, अगर बेटा कहना नहीं मानता तो कहता तू मेरा वफादार बेटा नहीं है, ना खलब बेटा है, ना फरमान बेटा है, निकल जा मेरे घर से। जमीन से कुछ नहीं मिलेगा, मकान में कुछ नहीं मिलेगा, बैंक बैलेंस से कुछ नहीं मिलेगा, कारोबार में तेरा कुछ नहीं, तू मेरा कहना नहीं मानता है ना। बाप की नाफरमानी करो तो बाप घर से निकाल देता है, और अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहे हो तब अगर उसने कह दिया मेरी दुनिया से निकलो तो कहां जाओगे? बाप तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी का मालिक है, थोड़ी सी पूंजी का मालिक है। बाप ने कह दिया इसमें तेरा कुछ नहीं, ना बैंक बैलेंस में कुछ है, ना जमीन में, ना बाग में, ना मकान में, ना दुकान में, कुछ नहीं है तेरा, तू ना हक है। बाप नाराज हो तो मकान से निकाल देता है, मगर हमारा रब कितना मेहरबान है, 70 साल हो गए नाफरमानी करते करते बराबर खाने को दे रहा, पीने को दे रहा। अमीन का क्या कहना, उस नबी का क्या कहना है ना। तुम्हारी शान कितनी बुलंद है, कुरान से पूछो ना, नबी के गुलाम हो तुम, कुरान से मालूम करो कुरान हमारा मर्तबा क्या है। अल्लाह का कुरान कहता कुल तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है रसूल की उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम आला हो, अफजल हो, बरतर हो, बेहतर हो, तुम कामयाब हो, कामरान हो। ए परवरदिगार आलम, तूने पूरी उम्मत को अच्छा कह दिया, किस लिए अच्छा कह दिया? कुरान आगे वजाहत के तौर पर ऐलान फरमाता है तामरूना बिल मारूफ, तुम इसलिए अच्छे हो कि लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, नेकियों का हुक्म देते हो, वतनहौना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से मना करते हो, ठिकाना होगा? बोलो भाई, है कहीं ठिकाना? बता दो ना, मदरसे में तो मौलाना निकाल दे तो मदरसे बहुत है, वहां दाखला नहीं होगा, कहीं हो जाएगा। मगर नबी कह दे, खुदा कह दे कि तू मेरा नहीं है, तो फिर का दाखले की गुंजाइश है। दिलकश का आखिरी शेर सुने, कमाल कर दिया उसने अपने मक्ति में। शरफ इतना हासिल हुआ हमको हासिल, हमें कर लिया अपने आका ने शामिल। शरफ इतना दिलकश हुआ हमको हासिल, हमें कर लिया अपने आकाल शामिल। गुलामी गुलामान आले नबी में कटे जिंदगानी ख्याले नबी। बुजुर्ग की बारगाह में हम और आप बैठे हैं, इन्हें ये मर्तबा वैसे मिल गया? पूछ रहा हूं आपसे भाई, इनकी इज्जत वैसे ही हो रही है?
लोग इनका उर्स बिला वजह मना रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो कुछ करके जाता है ना, जो अल्लाह को याद करके जाता है ना, अल्लाह का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब सुन लो कुरान की आयत का तर्जमा सुना देता हूं आपको। टावर तो खत्म हो रहे हैं क्योंकि आप 12 बजे 1 बजे के बाद कहां टावर रखें, मगर फिर भी देखो सुन्नियों में फिर भी नहीं जाते, सुन्नियों के टावर यार बोलो ना भाई, हाँ सुन्नियों के टावर रात के 2 बजे या 3 या 4 जितना टाइम पड़ता रहता है सुन्नियों का मजमा गर्म ही होता रहता है, ये ठंडे होते ही नहीं। एक जगह पूछ लिया मौलाना क्या बात है, तुम हमारा जलसा तो इनमें जोश होता रहता है मजमा गर्म रहता है। मैंने कहा फिर समझ में नहीं आई, सुन्नियों का मजमा इसलिए रात के 2 बजे भी गर्म रहता है कि सुन्नियों पर हमेशा मदीने वाले का करम रहता है, सुन्नियों पर हमेशा मदीने वाले का करम रहता है, और जिस पे नबी का करम हो वो ठंडा होगा ही कब। बोलो भाई, वो जमीन के ऊपर रहे तब भी गर्म है, जमीन के नीचे चला जाए तब भी, बोलो उनका करंट का भी कम, तो टावर आगे नहीं आए आपके। हाँ ये तो और सिमें होंगी नजदियों की, वहाबियों की, चकलालियों की, नेचरियों की, कादियानियों की, मोतजलियों की, दहरियों की, जबरियों की, कदरियों की, खड़खड़ियों की, पजामा उठबों की, बिस्तर लोटा पार्टी वालों की, ये और सिमें हैं जिनके नेटवर्क नहीं आते, उनमें आते नहीं सुन्नी के कभी जाते नहीं, उनमें आते नहीं सुन्नियों के कभी। अब मुझसे सवाल करो तो मैं जवाब ऐसा दे दूं जो आपको भी याद हो जाए, और कोई मिले तो उसे भी जवाब दे दो। हमारे टावर क्यों नहीं जाते? इसलिए कि हमारे पास जितने टावर हैं दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। टावर जितना टावर करीब होगा मोबाइल के उतनी रेंज अच्छी आएगी। बोलो भाई, बोलो आएगी कि नहीं? और अगर टावर से दूर चला जाता है मोबाइल तो रेंज से बाहर हो जाता है। जब भी फोन करो कृपया थोड़ी देर के बाद डायल करें, मोबाइल रेंज से बाहर है, ये तो आवाज आती है। और जब रेंज में होता है तो बात हो जाती है। तो सुन्नी कहीं भी जाए ये रेंज से बाहर होता ही नहीं, वर्ल्ड में कहीं भी, ये वर्ल्ड में कहीं भी जाए रेंज में ही रहता है। सुनो जो है आपकी, देखता हूं कितने लोग कैश करते हैं। मदीने में जाए तो सबसे बड़ा रूहानी टावर मेरे मुस्तफा का रोजा है, सारे रूल वहीं से निकल रहे हैं, और मेरे मुस्तफा के रूल इतने हाई, इतना हाई पावर है किसी भी टाइम करे कभी वहां से आवाज आती नहीं। उम्मत ही थोड़ी देर के बाद बात करना भी मेरी सी आती है बस। अरे बोलो भाई, एक नंबर पे 2 आदमी एक साथ डायल करें बात होगी नहीं होगी ना? 2 आदमी संपर्क एक साथ करें एक नंबर पे बात ना इधर वाले की होगी ना इधर वाले की, दोनों को भी बताएगा है ना। मगर मुस्तफा को करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत मुसलमान एक वक्त में पुकारता है, नबी सबकी सुन लेते हैं। नबी सबकी सुन लेते हैं क्योंकि मेरा इमाम बगैर जिम्मेदारी की बात करता ही नहीं है। आला हजरत बोले, कंजुल करामत बोले, जबल इस्तेकामत बोले, पीरे तरीकत बोले, काटा है कुफ्रो दलालत बोले, इल्म की चट्टान बोले, मुतरजिमे कुरान बोले, मिल्लत की शान बोले, कौम के पठान बोले, यानी बरेली के अहमद रजा खान बोले, मुसलमान अब भी ना बोले। बोलो भाई, चल के बोलो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दूरो नजदीक के सुनने वाले होगा, दूरो नजदीक के सुनने वाले होगा, तानला जाए रेंज में रहता है, मदीने में जाए तो मुस्तफा
अरे सुनो सुनो, आप बंबई में जाओ तो अली हाजी का टावर है, महरारा में जाओ तो बरकतुल्ला का टावर है, रामपुर में जाओ तो हाफिज शाह जमालुल्लाह का टावर है, लखनऊ में जाओ तो शामीना का टावर है, मसौली में जाओ तो शाह इस्माइल का टावर है, मकनपुर में चले जाओ तो शाह बदीउद्दीन का टावर है, बिलग्राम में चले जाओ तो शाह पीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का टावर है, मालदा में चले जाओ तो अलाउद्दीन नदी का टावर है, उड़ीसा में चले जाओ तो मुजाहिद मिल्लत का टावर है, आप अपने करीब में पीलीभीत में आ जाओ तो हशमत अली का टावर है, और जब नेटवर्क गड़बड़ कर रहे हो बरेली में आ जाओ तो आला हजरत का टावर है। लखनऊ की असेंबली में नहीं बैठे हो, दिल्ली की पार्लियामेंट में नहीं बैठे हो, किसी नेता जी की सभा में नहीं हो, आए समझ रहे हो, जन्नत की क्यारी में बैठे हो, अल्लाह के वली के जवार में बैठे हो। कितनी बरकत है, एक तो ये कि अल्लाह के वली के कुर्ब में, दूसरे नबी और अल्लाह के जिक्र की महफिल में, फिर ओलामा के दरमियान में, तुम्हारी बरकतों का क्या कहना, तुम्हारे नसीबों का क्या कहना। जरा तुम अपने आप से नहीं, नबी से पूछ लो कहां बैठे हो, पूछ ले नबी से, सुने हदीस पाक मसल के बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررت برياض الجنه فرتو قال مرياض الجنه قال مجالس العلماء। नबी ने फरमाया दीवानों, मस्तानों, फरजानों, मुझसे मोहब्बत और प्यार करने वालों, मुझसे अकीदत और मुरब्बत करने वालों, मेरे नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वालों, अपने तन मंदन की बाजी लगाने वालों, मेरे इशारे पर अपनी गर्दनों को कटवाने वालों, मैदान जिहाद में लब्बैक का नारा लगाने वालों, नारे तकबीर और इशारत की सदाओं को बुलंद करने वालों, जब जब भी जन्नत की करीब से गुजरो थोड़ा सा खा के जाया करो, थोड़ा सा उसमें खा के जाया करो। सहाबा ने अर्ज किया फिदा का भी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह की नबी बताइए, हमारी तो मर्जी है, हम बैठे तो जन्नत में, खाए तो जन्नत में, टहले तो जन्नत में, सोए तो जन्नत में, और जागे तो जन्नत में, हम तो हर काम जन्नत में करना चाहते हैं आका, जल्दी से बताइए जन्नत कहाँ है। अब इख्तियार वाले नबी का करम देखिए, नबी ने ये नहीं फरमाया जन्नत में जाना है तो रोजाना मक्की में आना पड़ेगा, जन्नत में जाना है तो रोजाना हतीबे काबा में आना पड़ेगा। नबी ने ये नहीं फरमाया कि अगर जन्नत में जाना है तो रोजाना मक्का में इब्राहिम में नमाज पढ़नी पड़ेगी, आपको तवाफे काबा रोजाना करना पड़ेगा, आपको मुस्तलजिम पे जाना पड़ेगा, रुकने शामी और रुकने इराकी पे जाना पड़ेगा, आपको हजरत अस्वद के साथ इस्तेलाम करना पड़ेगा। आपने ये नहीं फरमाया रोजाना सफा मरवा की सही करनी पड़ेगी, मैदान अराफात में दुआ करनी पड़ेगी, मुजलफा में वुकूफ करना पड़ेगा, मीना की वादियों में कुर्बानी करनी पड़ेगी। आपने ये नहीं फरमाया रोजाना मक्का मदीना में जाना पड़ेगा, जन्नतुल बकिया जन्नतुल मौला में जाना पड़ेगा, नहीं नहीं, नबी का दरियाए रहमत जोश में आया, करम फरमाया, इरशाद फरमाया, काल मजालिसुल उलमा, नबी फरमाते जिस जगह मौलाना लोग बैठे हो तुम भी वहीं बैठ जाना, जब उनके पास बैठ जाओगे तो समझ लो जन्नत की क्यारी में बैठ जाओगे। अगर मौलाना के पास बैठना गवारा ही कब है, बैठेंगे नेताजी के पास, अब बैठे माशाल्लाह। हाँ, देखो जन्नत में आए हो, नबी वादा कर रहे हैं, अब ये जन्नत भी और वो जन्नत भी, गद्दारों के लिए कोई सी नहीं, दोनों वफादारों के लिए, दोनों में गद्दार नहीं जाएंगे, मुस्तफा के वफादार जाएंगे। सुना दूं शेर, जोर से बोलो यार, तो शेरों की कमी नहीं है, हकीकत में मेरा सीना बिल्कुल पतला 1 GB मेमोरी के बराबर है ना, मगर 64 GB के बराबर शेर भरे हुए हैं इसमें, मगर शेरों का टाइम नहीं रहा है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुलते परी में खुल्द के परजाने जाएंगे, और
माशाल्लाह। अरे भाई होश में जवाब देना, दीवाने हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऐसा क्वेश्चन किया, ऐसा सवाल किया है, आप ये कहो कि हम दीवाने तो भी फंस गए, और ये कहो कि हम दीवाने नहीं है तो भी फंस गए। होश में हो ना, होश में हो, फंसे हुए हो, समझ लेना मैं हल करता हूँ मसला इंशाल्लाह। आप ये कहो हम होश में तो भी फंसे हुए हो, और आप ये कहो कि हम होश में नहीं है तो भी फंसे हुए हो, समझ गए? है ना। आपने कहा मौलाना जी हम दीवाने हैं, फरजाने हैं, मस्ताने, मगर सीने पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह वाले से पूछ लो, ये नबी का दीवाना अपने मजार में लेटा है, दुनिया उनकी उल्फत में चर्चे कर रही है। अरे जो नबी का दीवाना होता है वो तो कभी नमाज छोड़ता नहीं है। अब बताओ तुम लोगों ने कितनों ने नमाज पढ़ी है? माशाल्लाह जिन्होंने पढ़ी है बड़े खुशनसीब हैं, मगर दीवाने तो सभी बन गए थे। मजनू वाले दीवाने ना बनो, है ना, दिखाने वाले दीवाने ना बनो, रियाकारी वाले दीवाने ना बनो। दीवाने की नमाज नहीं छूटती, दीवाने का रोजा नहीं छूटता, दीवाना झूठ नहीं बोलता, दीवाना खीबत नहीं करता, नबी का दीवाना धोखा दही नहीं करता है, नबी का दीवाना माँ बाप को नहीं सताता है, नबी का दीवाना खुराफात नहीं करता है, मौका मिलता है जब भी कुरान पाक पढ़ता है। समझ रहे हो? बोलो भाई, जन्नत की क्यारी में बैठे हो मेरे दोस्तों। तो हमारे लिए बिल्कुल गारंटी कह दी, और दूसरे पजामा उठाओ के लिए बिल्कुल जर से मना कर दिया। कहते हैं ना शराब से आला हजरत का, जोर से बोलो यार, या रसूल अल्लाह अर्श हक है मसलद रिफअत रसूल देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की हम रसूल बहुत अच्छा। नींद आ रही है? अब तो नहीं आ रही। अल्लाह करे, ये भी बड़ी नेमत है अल्लाह की, जिसे नहीं आते ना उससे पूछो, टेबलेट खा खा के सोवे, इंजेक्शन लगा लगा के सोवे, फिर भी ना आती। अच्छा अच्छी नींद कहाँ आती है भाई? ईमानदारी से बताओ, मशवरा करो लोगों से, तो वो कहते हैं अच्छी नींद वहां आती है जहां अच्छा बेड है, उस पे फिर स्पेंज का गद्दा हो, गाओ तकिए लगे हो, गर्मी के मौसम में एसी हो, या फिर छत फैन हो, या ठंडा कूलर हो, है ना, बिल्कुल एयर कंडीशन कमरा हो, और अगर नहीं हो तो फिर मच्छरदानी हो कम से कम। जब अच्छी नींद आती है, मगर नबी के दीवाने से पूछो कहाँ अच्छी नींद आती है, वो कहता मच्छरदानी में अच्छी नींद नहीं आती। इन अल्लाह वालों से पूछो अच्छी नींद कहाँ आती है, वो कहते मच्छरदानी में नहीं, रूम में नहीं, बेडरूम में नहीं, एसी रूम में नहीं, फैन में नहीं, पंखे में नहीं, कहाँ आती है अच्छी नींद? ताजू शरिया के अंदाज में पूछ लो, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो ना, करीब रहते हो भाई। तेरे फना ना
जी क्या सवाल है? नहीं बोल रहे, जबरदस्ती हो रही है ना। अल्लाह वाले के पास जाओ तो दिल संभाल के, मौलाना के पास जाओ तो सवाल सवाल के, क्योंकि वो फौरन गिरफ्त कर लेते हैं मसला क्या बोला है, क्या जुमला बोला, कुफरिया तो नहीं बोला है ना। तो इसलिए उलमा की बारगाह में जबान संभाल के जाना चाहिए और अल्लाह वालों की बारगाह में। और वो जो कहते हैं कहीं चले जाओ, कब्र वालों को पता ही कुछ नहीं है। माजल्ला सुम्मा माजल्ला, इतनी हठधर्मी, इतनी बेबाकी, इतनी गुस्ताखियां, किसी को नहीं छोड़ा। माजल्ला कहने पे आए तो इतना कह दिया, नबी अली बली कुतुब अब्दाल अगवास ओता रुजबा नौकबा अस्किया अतकिया, सारे के सारे मरकर मिट्टी में मिल गए। अब मैं कुरान सुनाता हूँ आपको, देखता हूँ कितने लोग समझते हैं कुरान को। एक फतवा आया मुल्ला का कि जो मर गया वो मिट गया, एक फतवा आया अल्लाह का। अब बताओ मुल्ला का फतवा माना जाएगा या अल्लाह का? ईमानदारी से बताओ, अल्लाह का फतवा माना जाएगा ना। अब अल्लाह के फतवे से पूछते ही अल्लाह वाले जिंदा हैं या मर गए, कुरान से पूछे ना। कुरान पर तो हमारा ईमान है ना। जोर से बोलो यार, कुरान तो बड़ी बरकत वाली किताब है भाई। ये सैयदुल कुतुब है, खैरुल कुतुब है, तफसीले मा बाप वमा खबर है, इबियानन लिकुल शय है, कुरान शिफाउल मोमिनीन है, कुरान हुदन लिन्नास है, कुरान का भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, कुरान का लाने वाला जिब्रील अमीन है, जिस पर कुरान आया वो नबियों का इमाम रहमतुल लिल आलमीन है, भेजने वाला भी लाजवाब है, लाने वाला भी लाजवाब है, जिस पर आया वो भी लाजवाब है, जो आया वो कुरान भी लाजवाब है। बालफा से दीगर यूं समझ लो, जिसने भेजा है वो अल्लाह पाक है, जो लाया है वो जिब्रील पाक है, जिस पर कुरान आया वो नबी पाक है, और जो कुरान आया वो कुरान आज भी कुरान पाक है। वो कुरान आज भी, अब कोई नामदार लखनऊ से बकवास करे तो कुरान पांच छह आता हुई सोनू को नाम, कोई वसीम रजवी बनकर अगर उछले बकवास करें तो उसके पकने से कुरान में क्या गलती हो सकती है? अरे बोलो भाई, कुरान गलती से पाक है, ये उसका कलाम है जिसमें कोई खामी नहीं। अरे बोलो भाई, अल्लाह पाक है कि नहीं? कुरान में पहले जुमले में अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें ना कोई शक है, ना कोई ऐब है, ना बुराई है, ना नक्स है, ना खामी है, और इसकी हिफाजत, ये तफसीली कह रहे हैं, राफजी कह रहे हैं, एक रसीम रजवी नहीं, एक करोड़ रसीम रजवी पैदा हो जाए वो तो 28 आयतों के निकालने की बात करता है, 28 हर हुरूफ को बदलने की बात करता है, पूरी दुनिया के राफजी तफसीली कुरान के मुखालिफीन जमा हो जाए, कुरान की 28 आयतें तो क्या एक भी नहीं, एक आयत तो क्या कुरान का एक जेरो जबर भी नहीं मिटा सकते, खुद मिट जाएंगे, खुद तब्दील हो जाएंगे, कुरान में तब्दीली नहीं होती। मैंने पूछा कुरान क्यों नहीं होगी, कुरान कहता ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम बदला नहीं जाएगा, तहरीफ नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। मैंने कहा क्यों, अल्लाह का कुरान कहता नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान कहता है अल्लाह फरमाता मैंने इसे उतारा, मैं ही इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कोई मिटा सकता? बोलो भाई, अल्लाह जिस शमा को जलाए उस शमा को कोई बुझा नहीं सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों, कुरान सुना रहा हूं, मैं देखता हूं कितने लोग सुनते हैं। कुरान करीम है सूरह आराफ, अल्लाह क्या फरमाता है, मेरी तरफ देखेंगे जब भी समझ में आएगा, बड़ी धीरे धीरे तर्जमा करूंगा ताकि आपके कानों के रास्ते से लोहे दिल पे लिखा जाए। अल्लाह फरमाता है मन अमेला, वो लोग जो अमल करें, कैसे अमल, कैसे अमल, सालिहा नेक अमल, कैसे करें, अच्छे काम करें, दुनिया में रहकर क्या करें, अच्छे अच्छे काम पर नहीं बोलते मुसलमान, यही तो खराबी है। क्या करें, मन अमेला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, अल्लाह फरमाता है नेक काम करने वाला मर्द हो या औरत हो, अच्छे काम करने वाला मर्द हो या औरत हो, नमाज पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, कुरान की तिलावत करने वाला मर्द हो या औरत हो, माह रमजान की रोजे रखने वाला मर्द हो या औरत हो, हज अदा करने वाला मर्द हो या औरत हो।
गरीबों से प्यार करने वाला मर्द हो या औरत हो, परेशान की परेशानी को दूर करने वाला मर्द हो या औरत हो, तस्बीह पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, और लोगों से रहमी करने वाला मर्द हो या औरत हो, बड़ों की इज्जत करने वाला मर्द हो या औरत हो, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने वाला मर्द हो या औरत हो, छोटों पे शफकत करने वाला मर्द हो या औरत हो, एक मुसलमान का हक अदा करने वाला मर्द हो या औरत हो, अल्लाह से पूछो या अल्लाह इसका मर्तबा क्या है, इसकी शान क्या है, इसके दराजात क्या है। अल्लाह फरमाता है बाबू व मोमिन, अच्छे काम करने वाला ईमान वाला हो, औरत भी ईमान वाली हो, जब वो दुनिया से चली जाती है या मर्द चला जाता है, लोगों में शोर हो जाता है, फुला का इंतकाल हो गया, फुला की मौत हो गई, फुला का विशाल हो गया, फुला की डेथ हो गई, फुला मृत्यु कर गया, फुला एक्सपायर हो गया, फुला की डेथ हो गई। अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, फारसी वाले फारसी में, अरबी वाले अरबी में, और उर्दू वाले उर्दू में, अपनी अपनी लैंग्वेज में कहते मर गया, मिट गया, चला गया, खत्म हो गया, मिट गया। मगर अल्लाह का कुरान क्या कहता है, जरा सुनो। अल्लाह फरमाता फलानु ये यन्नहू हयातन तैयबा, मेरे इन बंदों को जो नेक काम करके आए हैं, मुर्दा कहने वालों, मिटना कहने वालों, जब तक कब्र में नहीं आए थे मुर्दा थे, कब्र में आते ही अल्लाह कहता मैंने इन्हें पाकीज़ा जिंदगी अता कर दी। हुक्म ये है सलामों से किया जाए, जो सुनता हो और सुन के जवाब देने की ताकत भी। हाँ, ये नबी की शरीयत है। प्रोग्राम कर का उनकी देखा, और पांच हकों में से पहला हक बुखारी में ये भी बताएगा, नबी ने फरमाया मुसलमान के मुसलमान पे पांच हक है। नंबर एक रद्दुस्सलाम, अगर कोई सलाम करे तो उसका सलाम रखो नहीं, फौरन लौटा दो। ये मुसलमान का मुसलमान पे हक है, मुसलमान का मुसलमान पे हक है। हाँ, कुछ लोग